उत्तराखंड हर कोई आना चाहता है, पर जहाँ हर कोई आना चाहता है वहाँ भीड़ भी तो बहुत हो जाती है। लेकिन आपको ऐसी जगहें चाहिए जहाँ लोग कम हो और नेचर ज़्यादा हो। इसलिए आज हम आपको उत्तराखंड की ऐसी ही पीसफुल और ऑफबीट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे धनौल्टी से। धनौल्टी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है। धनौल्टी को शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति से छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन माना जाता है। ये जगह अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, चारों तरफ फैली हरियाली और सुनहरे मौसम के लिए जानी जाती है। धनौल्टी आने पर सबसे पहले आप यहाँ के इको पार्क में आ सकते हैं। यहाँ आपको 50 रुपये की एंट्री फीस देनी होगी। इस पार्क में आप देवदार के ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों को देख सकेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। धनौल्टी से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर आप माँ पार्वती को समर्पित सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का पैदल ट्रैक तय करना पड़ेगा, लेकिन बीच में नेचर के नज़ारों के बीच आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। वापस नीचे आकर आप धनौल्टी के पोटैटो गार्डन को भी देखने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के दौरान यहाँ होने वाली बर्फबारी धनौल्टी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। धनौल्टी आप कभी भी पधार सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए दिसंबर से जून के बीच का मौसम एकदम परफेक्ट माना जाता है। ये जगह दिल्ली के सबसे नज़दीक और सबसे पीसफुल हिल स्टेशनों में से एक है। अगर आप बाई फ्लाइट धनौल्टी पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। इस एयरपोर्ट से धनौल्टी लगभग 85 यानी 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप मसूरी होते हुए भी धनौल्टी आ सकते हैं। मसूरी से धनौल्टी लगभग 31 किलोमीटर दूर है। या फिर आप चंबा के रास्ते नेचर को एक्सप्लोर करते हुए भी धनौल्टी पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से धनौल्टी पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून में ही है। धनौल्टी और देहरादून रेलवे स्टेशन का बीच का डिस्टेंस 59 किलोमीटर का है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप 15 से 2000 रुपये देकर टैक्सी को बुक कर सकते हैं। कुल मिलाकर धनौल्टी कम बजट में नेचर, स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारा अगला ऑफबीट हिल स्टेशन भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित लैंसडाउन भारत की राजधानी दिल्ली से केवल 275 किलोमीटर दूर है। इस सफर को आप मात्र 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इस जगह का नाम कालू डांडा था, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम बदलकर लैंसडाउन रख दिया गया। आज लैंसडाउन इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। लैंसडाउन यहाँ के खूबसूरत मौसम और बादलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ का टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। लैंसडाउन में सबसे ज्यादा पर्यटक इसी लोकेशन को देखने के लिए आते हैं। इस स्थान को लैंसडाउन में सबसे ऊंची जगह माना जाता है और यहाँ से आप पूरे लैंसडाउन के शानदार पैनोरामिक नजारों को देख सकते हैं। इसके बाद भुल्ला ताल को लैंसडाउन की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन माना जाता है। ये एक छोटी सी झील है और बेहद ही शांत जगह में स्थित है। इस झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और छोटी छोटी बतखों को तैरते हुए देख सकते हैं। भुल्ला ताल में 20 रुपए की एंट्री फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा लैंसडाउन में भीम पाकोरा, सेंट जॉर्ज चर्च और दरवान सिंह म्यूजियम भी यहाँ के पॉपुलर डेस्टिनेशन है। गर्मियों में लैंसडाउन ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ का मौसम कभी कभार स्नोफॉल भी हो जाता है। लैंसडाउन का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार में है। दिल्ली से कोटद्वार के बीच 5 घंटे का रास्ता है और कोटद्वार से लैंसडाउन केवल 40 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार से आप लोकल बस या फिर टैक्सी करके 1 घंटे में लैंसडाउन आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रोड ट्रिप भी करते हो तो दिल्ली से लैंसडाउन लगभग 250 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप 5 से 6 घंटे ड्राइव करके आसानी से पहुँच सकते हैं। इस लिस्ट में हमारी अगली डेस्टिनेशन है चकोरी। जितना खूबसूरत इस जगह का नाम है उससे कई अधिक खूबसूरत है चकोरी। दिल्ली से लगभग 494 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चकोरी को देखकर लगता है मानो कुदरत ने अपनी सारी कलाकारी इस एक जगह को बनाने में लुटा दी हो। चकोरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की बेरीनाग तहसील में स्थित एक छोटा सा गाँव है। चकोरी मुख्य रूप से नंदा देवी और पंचाचूली जैसी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों की शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। शहरों के शोरगुल से दूर यहाँ का वातावरण एकदम शांत दिखाई देता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ और सीढ़ीदार खेत इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं। चकोरी आने पर आप यहाँ चकोरी के आसपास कई दर्शनीय मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पाताल भुवनेश्वर, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है।
ये अद्भुत मंदिर एक गुफा के अंदर है। चकोरी से एक घंटे की दूरी पर माँ काली को समर्पित हाट काली का मंदिर भी है। इसके अलावा अगर आप मुनशारी भी आते हैं तब भी आप चकोरी होते हुए जा सकते हैं। चकोरी के नजदीक कोटबनिया नामक एक जगह में डियर पार्क भी है, जो कि एक देखने लायक जगह है। कुल मिलाकर चकोरी अकेले या फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चकोरी नैनीताल से लगभग 173 किलोमीटर दूर और बेरीनाग से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। चकोरी का नजदीकी हवाई अड्डा नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में है, जो यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। यदि आप रेल के थ्रू चकोरी पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है, जो यहाँ से लगभग 198 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से आप चकोरी पहुंचने के लिए आसानी से बस या टैक्सी ले सकते हैं। चकोरी में आपको रहने के लिए होटल्स, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस जैसे ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे। यहां आप शांति से अपना वीकेंड बिता सकते हैं। हमारी अगली लोकेशन का नाम शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन इस जगह की खूबसूरती और खासियतें जानने के बाद आप भी खुद को यहां जाने से नहीं रोक पाएंगे। ये जगह है नेलोंग घाटी, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में पहले आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि नेलोंग घाटी में 2015 से पहले पर्यटकों का आना मना था। हालांकि यहां आने के लिए परमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक एडवेंचरस वैली है जहां आने के लिए आपकी गाड़ी और आपका शरीर दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। नेलोंग घाटी में आपको आश्चर्यजनक तिब्बती पठार और पूरी घाटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आंखों को देखने पर भी असली नहीं लगती। इस घाटी का इतिहास काफी पुराना है। एक समय में ये जगह भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी, इसलिए आज भी यहाँ आपको लकड़ी के पुल और पुराने मंदिरों के अवशेष दिख जाएंगे। यदि आपकी किस्मत सही रही तो आप यहाँ पर कई दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य जीवों को भी देख सकते हैं। इनमें कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालय की नीली भेड़ जैसे जानवर शामिल है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है और आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाकर ये साबित करना पड़ता है कि आप इस जर्नी के लिए फिट हैं। यहाँ पर पर्सनल वाहनों की अनुमति नहीं है, इसलिए आप केवल वन विभाग की गाड़ियों में ही यहाँ जा सकते हैं। अभी तक नेलोंग घाटी में कैंपिंग करने और रात भर रहने के लिए रुकने की अनुमति नहीं है। नेलोंग घाटी मई से नवंबर के महीनों तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। हरे भरे जंगलों, मैदानों, नदियों और ऊंचे पहाड़ों के कारण ये जगह फोटोग्राफर्स और एडवेंचर लवर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। नेलोंग घाटी में आप यहाँ पर नेलोंग वैली ट्रैक और गंगोत्री ग्लेशियर ट्रैक जैसे रोमांचक ट्रैकों का भी आनंद ले सकते हैं। नेलोंग घाटी उत्तरकाशी जिले में हर्षिल घाटी के पास स्थित है। ये घाटी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी सड़कों से कनेक्टेड भी है। नेलोंग घाटी का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार में है। नेलोंग घाटी से देहरादून रेलवे स्टेशन लगभग 259 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से भैरव घाटी के लिए टैक्सियां और बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कुल मिलाकर इस जर्नी में आपको 10 घंटे का ड्राइविंग समय लग सकता है। हमारी अगली ऑफबीट डेस्टिनेशन भी नेलोंग घाटी के बहुत करीब है। इस जगह को हर्षिल वैली के नाम से जाना जाता है। हर्षिल घाटी की हरियाली, ठंडी हवा और सुकून भरा नेचर मन को तरोताजा कर देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। हर्षिल वैली भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और बर्ड वॉचिंग तथा ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है। हर्षिल वैली में बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ कई बेहतरीन जगहों पर घूमकर आप अपने जीवन में कुछ यादगार लम्हों को जोड़ सकते हैं। हर्षिल गाँव गंगोत्री के पास बसा हुआ है। हर्षिल की सुंदर घाटी में चारों तरफ घास के मैदान, बहती गंगा, ऊंचे हरे भरे पहाड़ और हिमालय की बर्फीली वादियाँ और सफ़ेद दूध की तरह बहने वाले झरने दिखाई देते हैं। यहाँ के देवदार के जंगल यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपना दीवाना बना देते हैं। हर्षिल घाटी ऋषिकेश से केवल 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। हर्षिल का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो हर्षिल से लगभग 232 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे से आप टैक्सी के माध्यम से हर्षिल आसानी से पहुँच सकते हैं। हर्षिल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, जो यहाँ से लगभग 215 किलोमीटर दूर है। आप यहां से कोई टैक्सी किराए पर लेकर आसानी से हर्षिल पहुंच सकते हैं।